हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G42 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को अपना रिकवर कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप ना डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को ना दो तरीकों से आप रिकवर कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के जरिए आप जो है फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप जो है हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो है मैं अपने फोन की जो है सबसे पहले तो गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में आप ये फोटो एक देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ये फोटो है, इस फोटो को पहले मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको इसे रिकवर करके दिखाऊंगा। आप ये फोटो ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास एक ये कूलर का फोटो है, ठीक है। इसे मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। इसे मैंने डिलीट किया, ये डिलीट किया और ये अलाउ कर दिया, ये डिलीट हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये जो फोटो मैंने डिलीट किया, अब इसे रिकवर करने के लिए आपको ना ये जो गैलरी के अंदर ये जो आपका लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है, लाइब्रेरी पे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये चौथे नंबर पे ऑप्शन मिलता है बीन का, बीन या ट्रैश लिखा होता है यहाँ पे, इसे टैप करना है। तो यहाँ पर आपका ये बीन वाला पेज आएगा, ठीक है। तो ये डिलीट वाला पेज होता है, जितने भी आप फोटो या वीडियो अपने फ़ोन की गैलरी से आप डिलीट करते हैं ना, वो सारी की सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर से इसको रिकवर करने के लिए आपको इस फोटो को जो है से दबा के रखना है। एक नीचे की साइड एक ऑप्शन आता है रिस्टोर का, रिस्टोर पे टैप करना है। अब एक और पेज आता है, ये देखिए अलाउ का, अलाउ पे इसे आपको टैप करना है, या फिर रिस्टोर का ऑप्शन आएगा तो रिस्टोर पे टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी फोटो जो है रिस्टोर हो जाती है, देखिए रिस्टोर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप जो है ना, अब देखिए हमारी यहाँ पर जो फोटो ये गैलरी में आ चुकी है, देखिए ये देखिए फोटो वापस ये गैलरी में आ चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक लिमिट होती है कि आप कितने दिनों में रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम ना डिलीट वाले पेज में वापस चलते हैं। ये जो डिलीट वाला पेज है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक जगह सेकंड लाइन में लिखा हुआ है 60 डेज में रिकवर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 30 डेज में भी आप इसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये 60 डेज और ये 30 डेज, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके फ़ोन की जो एक गैलरी होती है ना, गूगल फोटोज़ की जो गैलरी होती है, इसमें देखिए सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है प्रोफाइल पिक्चर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला पेज ओपन है, इसमें देखिए आपको बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी बैकअप की सेटिंग पहले से ही बंद है, मैंने बंद करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये जो बैकअप की सेटिंग है ना, अगर आप इसे चालू कर लेते हैं, चालू करने के बाद अगर आप किसी भी फोटो या वीडियो को डिलीट करते हैं, तो जिस डेट को आप डिलीट करेंगे ना, उसके आने वाले 59 दिन, यानी कि टोटल 60 दिन हो गए, तो आने वाले 60 दिनों तक आपकी जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो इस वाले पेज पे रहेगी। अगर आपने 60 दिन के अंदर रिकवर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपका फ़ोन जो है 60 दिन के बाद जो है यहाँ से उस फोटो को या वीडियो को डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक परमानेंट, ठीक है। तो 60 दिनों तक आप, या लगभग 2 महीने होते हैं 60 दिन, ठीक है ना, तो 2 महीने के अंदर अंदर आप इसे जो है रिकवर कर लीजिए, वरना आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक इसे डिलीट कर देगा। और देखिए 30 डेज का मतलब क्या होता है, देखिए आपकी जो बैकअप की सेटिंग होती है ना गूगल फोटोज की, अगर आप इसे बंद रखते हैं, बंद करने के बाद अगर आप किसी भी फोटो या वीडियो को डिलीट करते हैं, तो वो जिस डेट को आप डिलीट करेंगे ना, उसके वो 30 दिनों तक, उसके आने वाले 30 दिनों तक यहाँ पे पड़ी रहेगी। 30 दिन के अंदर अगर आपने रिकवर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो 30 दिन बाद जो है आपका फ़ोन उसे ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा परमानेंट, ठीक है। तो ये 60 दिन और 30 दिन आपको समझ में आ गए, यानी कि फ़ोन का जो गूगल फोटोज़ की जो गैलरी होती है ना, अगर बैकअप चालू करके अगर आप डिलीट करते हैं तो उसे 60 दिन में रिकवर कर सकते हैं। अगर गूगल फोटोज़ की बैकअप सेटिंग बंद करने के बाद अगर आप डिलीट करते हैं तो उसे 30 दिन में रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर पा देंगे, ठीक है।